साठ के दशक में चीन में राहुल गांधी की सोच वाला एक शासक था जिसका नाम था माओ त्सेतुंग, जिसकी विचारधारा थी कि देश में उद्योग ना हो, लोग अमीर ना हो, और इस विचारधारा ने ऐसी तबाही मचाई कि करोड़ों लोग अकाल की भेंट चढ़ गए। ये वो दौर था जब चीन के लोग कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे और उद्योग करने लगे थे। उनके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए और देश में वापस कम्युनिस्ट सोच लाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति की विचारधारा को अपना हथियार बनाया। वो चाहता था कि संपत्ति से लेकर जमीन सबके पास समान हो और कोई अमीर ना हो, जिसके चलते न चीन में कोई विकास हुआ, आर्थिक सुधार होने की बजाय अकाल पड़ गया। लोगों से रहने पहनने की आजादी तक छीन ली गई, जिन्होंने विरोध किया उन्हें मार दिया गया। और आज राहुल गांधी भी इसी राह पर चल दिया है। अगर वो सत्ता में आ गया तो आर्थिक सर्वे करवाएगा, जिससे किसके पास कितनी संपत्ति है इसका पता लगाया जा सकेगा। अब जरा सोचिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपने परिवार के लिए बंगला खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी जगह फ्लैट में रहते हैं ताकि बचत हो सके और वो पैसा आपकी बिजनेस में लगे। और एक दिन आपके फोन पर मैसेज आए कि हमें पता है आपके पास कितनी संपत्ति है और उसका आधा हिस्सा आपको सरकार को देना है, जो उसे ऐसे परिवार को देगी जो कोई काम धंधा नहीं करता। आपको कैसा लगेगा आपकी जिंदगी भर की मेहनत की पूंजी जो आपने अपने इकलौते बच्चे के लिए बचा कर रखी, वो किसी ऐसे के पास चली जाए जिसके 10 से 12 बच्चे हैं? क्या बीतेगी आपकी माताओं बहनों पर जब उन्हें पता चलेगा कि एक रात के अंदर उनका सोना राज्य की संपत्ति बन गया? कोई मेहनत से 1 लाख कमाता है और उसकी कमाई का एक मोटा हिस्सा कांग्रेसी टैक्स की सूली चढ़ जाए, तो क्या ऐसे आपका अमीर बनने का सपना कभी पूरा हो पाएगा? राहुल गांधी का ये आइडिया ही अपने आप में देश की जनता के लिए कितना घातक है ये आप समझ गए होंगे। इसलिए इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, गलती से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपके पास आपका कुछ नहीं बचेगा। जितनी मेहनत से आपने अपने परिवार को बनाया, कांग्रेस को आपका एक वोट ही सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। क्या आपको ये मंजूर है?